उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चुनावी रंजिश का दौर अब भी जारी है। चुनावी रंजिश के इसी क्रम में आज महोली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदपुरवा में यहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर और गोलियों की बौछार की, जिसमें दो लोग गोली का शिकार हुए और घायल हो गए। साथ ही ईंटा पत्थरों के चलने से कुछ अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मोहली सीएससी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं घायलों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही चलते ये घटना कारित हुई है। अगर समय रहते पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो ये घटना कारित नहीं होती। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है तथा तहरीर प्राप्त होने के बाद उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज। कैसे क्या हुआ? हमारे यहाँ पे एक बहनोई आए रहे, तब जिन गाँव तेने जा रहे हैं लौंडा के लिए छोटे वाले घर का बने जा रहे हैं रेवाना कहीं चंद्रपुरा का आए रहे, तब वहाँ ते आए तब कहीं तुम रोज निखरते जोर गाड़ी चला तो उनका रोका उनके दो तीन झापड़ कर ली मारी ने, तो फिर वो एप्लीकेशन दे आए और हमारे यहाँ देवर बैठे रहे गाड़ी कहीं दे जाओ तो उनका दे के उनका भाई गाड़ी पर उतारू ना भाई उनका मारे लगे, तो कल एप्लीकेशन दिन कोई नकवारी का नहीं गो, तब आज गोली चलाई दी हरिनाथ चलाई न है पंकज चलाई न है गोविंद चलाई न है एप्लीकेशन कर ली देहरान अब एक जन को तो मंचागिरी को है तो मोहली थाने में यहाँ है जख्मी दो जने ज्यादा घायल हैं सत्य कुमार कमलेश कुमार चंदपुरावा मोहली हाँ कमलेश हाँ और सत्य कुमार घायल हैं 35 साल उनको 35 साल सत्य कुमार हाँ एगो तो मंचा मिली गो है पाए गए रहन हम वो पकड़ी ना आए बहन कल आज भी नकवारी को ना गए रहे कल एप्लीकेशन हाँ कल दे रहा एप्लीकेशन दे धरी है घर में और इनकवारी का गए होते सवेरे तो काहे या लड़ाई होती अच्छा थाना मोहली से दो पेशेंट आए हुए थे कमलेश और सतकुमार जिनके जो है गोली के छर्रे लगे हुए थे और दोनों की कंडीशन नॉर्मल थी बहुत सीरियस नहीं थी, तो दोनों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद में इनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आगे ट्रीटमेंट सर्जन करेंगे इनका। हमारा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव।